तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप दोस्तों? आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो वन यू आई होम होता है, जो होम स्क्रीन होती है दोस्तों, उसके अंदर के एक नए अपडेट बारे बताने वाला हूँ। उस अपडेट के बाद क्या नए चेंजेस होंगे और ये अपडेट आपको कहाँ मिलेगा, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिस बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आए सबसे पहले आपको मिले। तो चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के वन यू आई होम स्क्रीन के नए अपडेट के बारे में। दोस्तों ये जो स्क्रीन दिखती है ना, आप देख रहे होंगे, ये जो स्क्रीन है इसको ही होम स्क्रीन तो उसके अंदर एक नया अपडेट आया। नया अपडेट मतलब कि अगर इसमें कुछ भी बक्सेस होंगे उसको रेक्टिफिकेशन कर दिया होगा या कुछ इश्यूज होंगे उसको यहां पर फिक्स कर दिया होगा। अगर मैं आपको यहां पर क्लिक करके बताऊं, जैसे मैंने यहां पर क्लिक कर लिया, यहां आ गया सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद आप देखेंगे यहां ऊपर लिख भी रहा है होम स्क्रीन सेटिंग, एंड देन यहां पर आ गया अबाउट फोन में। तो आप अबाउट फोन में देख सकते हैं, यहां पर इसका वर्जन नंबर जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है 15.0.5.0.5 और यहाँ अपडेट अवेलेबल बता रहा है। जैसे मैं इस पर अपडेट में अवेलेबल पर क्लिक करूंगा, वो आपको ले जाएगा आपके मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर पे जाने के बाद आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है फिक्सेस बग्स एंड इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी। बग्स को फिक्स किया गया, इम्प्रूव स्टेबिलिटी की गई और कुछ एनहांस फीचर एड ऑन किए गए होंगे। यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इसको रोल आउट किया गया 29 जनवरी की दिन अपडेट को, और जिसका साइज है 16.26 MB का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और यहाँ पर पहले तो कर लेते हैं अपडेट, अब यहाँ अपडेट कर लेते हैं। अपडेट के बाद यहाँ पर मैं बताऊँ आपको इस ऐप के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। वन यू आई होम कम विथ सिंपल स्क्रीन लेआउट, यहाँ पर आप सिंपल स्क्रीन आपको लेआउट मिलता है जिसके अंदर अपने आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं और कुछ अलग ही तरीके से आप उसको व्यू कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसके अंदर कर पाएंगे और पर्टिकुलर और भी क्या क्या कर सकते हैं वो आपको मैं आगे बता देता हूँ। बट इसको अपडेट करना चाहिए क्योंकि इसके अपडेट करने से जो भी कुछ बक्सेज होंगे, जैसे मान लो कभी हम होम स्क्रीन पे जाते हैं, मोबाइल हैंगिंग हो रहा है, लैग हो रहा है, होम स्क्रीन आने पर स्लो वर्किंग कर रहा है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर फिक्स हो जाती है। तो होम स्क्रीन के अंदर आपको क्या क्या फिक्स कर सकते हैं, जैसे क्या क्या मिलने वाला है। मान लो आपको कुछ ऐप्स को दूसरी जगह मूव ऑन करना है, तो पहले कैसे करते थे, आपने एक ऐप सेलेक्ट कर ली, फिर यू करके ले गए, फिर जाके आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बट आप क्या करना है, आपको कितनी भी ऐप्स से, मान लो मुझे 2-4 ऐप्स को लेके जाना है, तो मैंने यहाँ पर किया है, यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक कर लिया और 2-4 ऐप जितनी भी ऐप्स को मुझे लेके जाना है सबको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जिस ऐप को लेके जाना है मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया, जिस स्क्रीन पे लेके जाना है वहां जाने के बाद बस मैंने यहाँ प्रेस और होल्ड करना है, सारी स्क्रीन यहाँ पर आ जाएगी। ये भी वन यू आई के थ्रू ही होता है, वन यू आई होम ही ये काम करता है, समझ गए। इसके थ्रू भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और भी अगर शॉर्टकट तरीके से ले जाना है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है सबको, ठीक है, जहाँ ले जाना है आपने यू पकड़ लेना है, यहाँ से दूसरी फिंगर से आप उसको स्वैप कर लीजिए, जहाँ पर लेके जाना है वहाँ छोड़ देंगे तो वो वहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी होम स्क्रीन के अंदर कस्टमाइजेशन के अंदर आता है। और बताऊँ आपको, और सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के अब आप अबाउट होम पे देखेंगे तो यहाँ पर वर्जन नंबर 9.1 हो गया जो कि पहले 5 था। अब इसके अंदर आपको होम स्क्रीन लेआउट मिलती है, होम ऐप्स और होम स्क्रीन ओनली, तो आप ये दोनों चीज़ों को यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। होम स्क्रीन ऐप पे करेंगे तो आपको ऐप का ऑप्शन मिलेगा, सारे ऐप्स ऊपर खुलेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लो अभी होम स्क्रीन ऐप्स पे और मैंने होम हाउस पे कर दिया, अब मैं जैसे इसको अप्लाई करूंगा, अप्लाई करने के बाद ये ऐसा दिखने लग जाएगा। आप देख सकते हैं कितना भद्दा सा दिख रहा है यार, सारी ऐप्स एक ही स्क्रीन पे आ गई है, सब इसी पे आ गई है। आप देख सकते हैं पूरी ऐप्स इसी के अंदर आ रही है और बहुत ही ज़्यादा लेआउट बेकार लग रहा था। वापस सेटिंग्स पे गया, वापस जाके मैंने होम एंड ऐप स्क्रीन को अलग अलग कर दिया। जैसे ही अलग कर दिया तो वो वापस से अच्छा खासा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अभी आप देख रहे होंगे मैंने एक रो में 7 को सेट कर रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पर भी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर भी 7 को सेट आउट कर रखा है। कैसे करना है उसके लिए वापस आपको यही होम स्क्रीन की सेटिंग्स पे जाना है। होम स्क्रीन की सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको होम स्क्रीन ग्रिड को 7 कर देना है, ऐप स्क्रीन ग्रिड को 7 कर देना है और फोल्डर ग्रिड को आपको 4x4 भी कर देंगे तो भी चलेगा। फोल्डर ग्रिड मतलब ये जो फोल्डर्स है ना, ये फोल्डर ग्रिड होती है, तो आप ये फोल्डर ग्रिड को भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बात करें इसके अंदर आपको ऐड मीडिया पेज टू होम स्क्रीन, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो मीडिया पेज स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा। मीडिया पेज मतलब कि ये आप यहाँ राइट स्वाइप करेंगे ना, इसको मीडिया पेज कहते हैं, तो ये आप यहाँ पर ऐड ऑन कर पाएंगे। अगर नहीं चाहते तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं। उसके अलावा शो ऐप स्क्रीन ऑन होम स्क्रीन, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको ऐप स्क्रीन का ऑप्शन दिखने लग जाएगा। आप देख सकते हैं इस ऐप के थ्रू आप ऐप्स खोल पाएंगे, नहीं तो पहले मैं ऐसे करके यूँ खोल लेता था, वो भी खुल जाएगा और चाहे तो आप यहाँ से भी ऐप स्क्रीन को एक्सेस कर पाएंगे, तो ये चीज़ भी कस्टमाइज मिल जाती है। लॉक होम स्क्रीन ले आओ, तो अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो कोई भी चीज़ को आप हिला नहीं पाएंगे, जो भी आपके हैंड पर सेट है। जैसे मान लो मैंने इसको मुझे मूव ऑन करना है तो वो कुछ भी नहीं लेगा क्योंकि वो लॉक कर रखा है, तो ये इसलिए काम आता है।
उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर एड न्यू ऐप टू होम स्क्रीन, जो भी नई लेटेस्ट ऐप डाउनलोड हो ऑटोमेटिक होम स्क्रीन पे आ जाए। हाइड ऐप ऑन स्क्रीन एंड ऐप, जो भी ऐप को हाइड ऑन करना है वो यहाँ से आप क्लिक कर दो वो हाइड हो जाएगी। एंड देन ऐप आइकन बगेज, जो भी नंबर्स आपके पास पेंडिंग है, नोटिफिकेशन 15-12 जो भी वो काउंटिंग बताता है। स्वाइप डाउन नोटिफिकेशन पैनल, ये बहुत शानदार फीचर है। इससे क्या होता है कि मान लो मैंने इसको ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद मैं नीचे से यहाँ पर कर रहा हूँ तो नोटिफिकेशन स्क्रीन ऑफ नहीं आ रही है, और अगर मैंने अब इसको ऑन करके रखा, कहाँ गया, मैंने ऑन करके रखा और अब मैं नीचे वाली यहाँ से भी इसको नीचे करूँगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जो कि बहुत यूज़फुल है यार। मैं तो हमेशा ऐसे ही नोटिफिकेशन देखता हूँ। उसके बाद आएंगे नीचे, उसके बाद आपको रोटेट टू लैंडस्केप मोड, लैंडस्केप मोड में यूज़ करेंगे तो भी आपको सेम सिचुएशन मिले, तो यही काम होता है। और यही नया अपडेट था होम स्क्रीन ऐप की तरफ से जो कि मैंने बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।